हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट आई एम नागपुर आरटीआई डेटा ऑफ 2021 ऑन 23 और दिस डेटा आई वाज टेकन थ्रू द करियर कंसल्टेंट वेबसाइट अनंत गायकवाड़। और आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं आई एम नागपुर का आरटीआई डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू राउंड। फॉर जनरल कैटेगरी दैट वाज 791, फॉर ईडब्ल्यूएस 240, फॉर ओबीसी 685, फॉर एससी 427, फॉर एसटी 123, पीडब्ल्यूडी 51। एंड कैटेगरी वाइज कंपोजिट स्कोर कट ऑफ फॉर शॉर्टलिस्टेड टू इंटरव्यू राउंड फॉर जनरल 4.2937, फॉर ईडब्ल्यूएस 2.25, ओबीसी 3.12, फॉर एससी 1.49, एसटी 1.57, पीडब्ल्यूडी 1.39। एंड कैटेगरी वाइज कंपोजिट स्कोर फॉर फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट वाज 3.66, ईडब्ल्यूएस 2.4, ओबीसी 2.7, एससी 2.01, एसटी 2.7 एंड पीडब्ल्यूडी 1.8। और लास्ट में मैं आपको कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करने का भी बताऊंगा, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। और कैटेगरी बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफर फॉर फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन, तो यहाँ पे देख सकते हो जनरल के लिए 499, फॉर ईडब्ल्यूएस 191 एंड ओबीसी 453, एससी 245, फॉर एसटी 66, पीडब्ल्यूडी 38। एंड कैटेगरी बाय मिनिमम कट ऑफ परसेंटाइल फॉर ऑफर्ड स्टूडेंट, तो जनरल के लिए दैट बार 85.02, फॉर ईडब्ल्यूएस 85.28, फॉर ओबीसी 76.52, एससी 60.82, एसटी 40.5, पीडब्ल्यूडी 40.69। एंड फॉर कैटेगरी वाइज करंट क्लास कंपोजिशन यहाँ पे देख सकते हो 115, फॉर ईडब्ल्यूएस 28, ओबीसी 72, एससी 33, एसटी पीडब्ल्यूडी 1 एंड एसटी 8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एडमिशन पॉलिसी क्या रहती है, तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन लगता है वो लिखा है और सीट पर कैटेगरी, तो यहाँ पे 240 सीट्स हैं और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट दी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि जनरल के लिए 97, EWS के लिए 24, OBC के लिए 65, SC के लिए 36, ST के लिए 80 और DAP के लिए 12। और यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो 3 स्टेज में होगा। स्टेज 1 लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन द कैट स्कोर, और सेकंड होगा वो PI और CS के बीच में आपका जो PI लिया जाएगा कंपोजिट स्कोर होगा उसके बेसिस पे, एंड थर्ड में आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके बेसिस में। तो यहाँ पे 3 राउंड होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मिनिमम कैट परसेंटाइल है वो जनरल के लिए 85 होना चाहिए, EWS के लिए भी 85, NCOBC के लिए 76.5, SC के लिए 60, ST के लिए 40 और यहाँ पे DAP के लिए 40 होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपका लिखा हुआ है, ये कई सेक्शनल कट ऑफ भी हैं, तो आपका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपको IIM नागपुर से कॉल आएगी, फिर आपको ऑफर ऑफ एडमिशन दिया जाएगा और 75,000 आपको पे करना पड़ेगा। और ये सारी प्रोसेस लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।